हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं, इस नोटिफिकेशन में हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे, राइट। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऑन टाइम गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि मैं इस चैनल पर डे 1 या 2 गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन अपलोड कर ही देता हूँ, तो इससे आपको अच्छी खासी बेनिफिट्स मिलने वाली है, राइट। तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन को। आप देख सकते हो ये नोटिफिकेशन जो है NLC इंडिया लिमिटेड में आई हुई, राइट। और इसमें हम लोग सारी चीज़ें देख लेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वैकेंसी जो है SME ऑपरेटर के लिए वैकेंसीज़ है, और इसमें टोटल वैकेंसी 65 है, राइट। और इसमें क्वालिफिकेशन आपका जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे जो है ITI इन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ट्रेड होना चाहिए, राइट। ITI आपका जो है मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे जो है इसमें आपका एक्सपीरियंस है, तो इसमें मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग स्पेशलाइज माइनिंग इक्विपमेंट ऑफ माइन या थर्मल स्टेशन, राइट। और यहाँ पे जो है एज देख लेते हैं, तो एज आपका जो है 63 ईयर मैक्सिमम होगा, आप यहाँ पे दे सकते हो। और इसमें जो है सैलरी आपका जो है, यहाँ पे दे सकते हो, सैलरी पर मंथ की 38,000 पर मंथ की होगी, राइट। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो है, यहाँ पे आप दे सकते हो, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल टेस्ट, राइट। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सारी चीज़ें, तो राइट। तो फॉर्म फिल करना कैसे है, तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको जो है NLCIL वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर वेबसाइट दिया हुआ है, राइट। आप जो है NLCIL इस वेबसाइट पे जाके आप जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड करना है, राइट। एंड देन आपको जो है उसको अच्छे से फिल करना है, राइट। आपको जो है फिल करने में फिल करना है एंड डॉक्यूमेंट अटैच करना है। फिल करने में आपको जो है रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कलर फ़ोटो होना चाहिए, राइट। और यहाँ पर जो है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे जो है सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट का मार्कशीट देना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे देख लेंगे, इसमें जो है ITI ट्रेड सर्टिफिकेट का मार्कशीट होना चाहिए। और यहाँ पे यदि आप SC ST OBC NCL EWS से बिलोंग करते हो, तो आपको जो है कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको देना होगा एंड आधार का कॉपी देना होगा, राइट। और प्रूफ ऑफ एक्स सर्विसमैन, यदि आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो आपको जो है इसका प्रूफ देना होगा, राइट। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको देने होंगे, राइट। और आपको जो है सारे फॉर्म को अच्छे से फिल करना है, डॉक्यूमेंट को अटैच करना है। उसके बाद आपको जो है 14 जून तक आपको जो है इस लोकेशन पर, यहाँ पर आप देख सकते हो एड्रेस दिया हुआ है, इस लोकेशन पर आपको सेंड करना है, राइट। और आपका जो है 2 जून से 14 जून तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, राइट। और आपको फॉर्म फिल करके आपको जो है यहाँ पे सेंड करना है इस लोकेशन पे आपको जो है 14 जून तक, राइट। तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं फॉर्म फिल करने के लिए, राइट। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है फॉर्म फिल करने में हो या इस नोटिफिकेशन के बारे में, तो आप कॉमेंट कर सकते हो, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।